इन दिनों हिमाचल में वार प्लेटवार का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा है कि वर्तमान सरकार में अफसरशाही सरकार पर इस कदर भारी है कि कृषि मंत्री की ओर से अधिकारियों को फिजूल खर्ची पर विदेश घूमने का एक कार्यक्रम कुछ आपत्तियों के साथ रद्द कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है अधिकारियों ने मंत्री की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उनसे भी ऊपर के स्तर से अपने विदेश के कार्यक्रमों को अंजाम देने का बंदोबस्त कर लिया। इससे पता चलता है सरकार का अफसरशाही के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, न ही सरकार के अधिकारियों को प्रदेश की वित्तीय स्थिति से कोई लेना देना है। वर्तमान सरकार में अफसरशाही इस तरह से सरकार के ऊपर हावी है कि सरकार के मंत्रियों तक की हैसियत उनके आगे फीकी पड़ जाती है। हाल ही के दिनों में कृषि मंत्री का एक बयान जो अखबारों की सुर्खियां बनता है कि उन्होंने अधिकारियों के एक दल को जो विदेश जा रहे थे, स्पेन जा रहे थे जायका परियोजना के अंतर्गत, उनकी फाइल को रोक दिया, उनको विदेश जाने से मना कर दिया, क्योंकि मंत्री जी ने पूछा कि आप इससे पहले भी आप नीदरलैंड का दौरा करके आए थे, अधिकारी लोग करके आए थे, उसके क्या परिणाम रहे, उसका धरातल पे किसानों को क्या लाभ मिल पाया, और अधिकारी जो है वो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते हैं और मंत्री जी उस फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि उन अधिकारियों ने ऊपर से, यानी कि सरकार के मुखिया, मंत्री से ऊपर कौन हो सकता है, सरकार का मुखिया ही होगा, तो सरकार के मुखिया से उस फाइल को जो है वो सैंक्शन करवा लिया अपने दौरे को। यानी कि जायका के नाम के ऊपर प्रदेश में लूट जो है वो चली है, अधिकारी वर्ग मचा रहा है। अगर अधिकारियों को सीखना है तो इन दिनों तो एक जापान का जायका के अंतर्गत एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है जो कि जायका के अंतर्गत हुए कार्य जो हैं वो उनकी समीक्षा कर रहा है। अधिकारी उनसे भी सीख सकते हैं जिस देश ने इस प्रोजेक्ट को दिया है। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उनमें ईमानदारी से काम होना चाहिए जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिल पाता। अब लगभग 1010 करोड़ रुपए की यह परियोजना,